अलैकुम, कलर ऑफ आयशा में एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं अपना अनबॉक्स करने लगी स्टैंड ब्लेंडर अपना, जिसका नंबर है BL9200 3-in-1 है ये। और इसमें हमें मिलता है एक ब्लेंडर, एक ग्राइंडर और एक चॉपर, ठीक है। और इसके साथ एक मशीन है, ठीक है, वो तो सबके साथ एक ही मशीन होती है। लेकिन चलें अब हम इसको अनबॉक्स करते हैं, ठीक है। इसको मैं खोलने लगी हूँ। मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड की अपनी वॉशिंग मशीन की, और उसमें भी मैंने थोड़ा सा बताया था कि मैंने मेरा जो ब्लेंडर है वो भी सुपर एशिया का है। ये मैंने सुपर एशिया की ऑफिशियल साइट से परचेज़ किया है। 7000 नहीं है ये, सॉरी, हाँ मैक्सिमम ये 7000 का, डिलीवरी चार्जेस के अलग थे। इसमें हमें मिलता है एक मैनुअल का मैनुअल बुक, और साथ ही एक वारंटी कार्ड मिलता है। सबसे पहले जो हमें मिलता है बॉक्सिंग के अंदर वो है चॉपर, ठीक है। इसकी पैकिंग बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मुझे इंस्पायर किया इनकी पैकिंग ने। और आप देख सकते हैं कितनी सॉलिड प्लास्टिक है, बहुत अच्छी मुझे लगी है। और आप देख सकते हैं इनके जो लिड्स हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त लॉक्ड हैं, तो अच्छा है, अच्छी क्वालिटी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। जैसे कि आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, सुपर एशिया का तो नाम ही काफ़ी होता है। अच्छा जी, अब ये मैं दूसरी चीज़ जो मैंने निकाली है, आई थिंक ये लिड है ब्लेंडर का, तो उसको मैंने साइड पर रख दिया। यह मैंने ग्राइंडर निकाला है, आप देख सकते हैं एज इट इज़, जैसे कि चॉपर था बिल्कुल सेम वैसा ही है। और बहुत सॉलिड प्लास्टिक है। सबसे ज़्यादा जो मुझे इंस्पायर किया वो इसकी पैकिंग और इसकी जो मटेरियल है इसका, वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। अब ये जी मैं आपको दिखाने लगी हूँ अपना ब्लेंडर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सॉलिड प्लास्टिक में ये जग बना हुआ है। और अब आखिर में बारी आती है जी मशीन की। आप देख सकते हैं मशीन भी काफ़ी अच्छी तरह से पैक्ड है, तो ये मैं इसको निकालने लगी हूँ, आप देख सकते हैं। और इसका मैं इंशाल्लाह रिव्यू भी दूंगी। ये इसके स्पीड्स हैं, ठीक है। आजकल ये गोल बटन वाली बहुत ज़्यादा इन हुई हुई है। इसके नीचे इसके वॉट्स लिखे हुए इस वक्त मुझे नज़र नहीं आ रहे, तो मैं आपको बता नहीं सकती। सो गाइस जी, बॉक्स के अंदर से ये तीन चीज़ें निकली हैं, ठीक है, और बहुत ही अच्छी हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि सुपर एशिया बेस्ट कंपनी है पाकिस्तान की, तो चलें अब हम इसका रिव्यू देते हैं कि ये। तो गाइस, अब मैं अपने इस सुपर एशिया के ब्लेंडर को यूज़ करने लगी हूँ। फिलहाल मैं अभी ब्लेंडर ही यूज़ कर रही हूँ, बाकी चॉपर और ग्राइंडर उसका रिव्यू हो सका तो मैं बाद में दे दूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल ब्लेंडर को देखते हैं ये कैसा काम करता है। जैसा कि इसके ऊपर लिखा होता है कि ये आइस क्रशर भी है, तो मैंने इसमें कुछ मैंगोज़ डाल दी हैं। अब मैं शेक बनाने लगी हूँ मैंगो के साथ। अब ये मैं दूध इसमें डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। और अभी मैं इसमें आइस भी डालूँगी ताकि मुझे पता चल सके कि ये आइस क्रशर है या नहीं, ठीक है जी। ओके नाउ, ये ले जी, मैंने इसमें आइस डाल दी है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा ये मेरा फ़ोन का साया आ रहा है बीच में, लेकिन चलें। अब ये से मैं शुगर डाल रही हूँ, साथ साथ मैं आपको शेक की रेसिपी भी दे रही हूँ। तो अच्छा, इसमें अगर हम एक अमेंडमेंट करें ना, तो ये और भी मज़े का बनेगा। इसमें अगर हम मैंगो जूस भी शामिल कर दें तो वो भी मज़े का लगता है, वो एक बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है। लेकिन ये कि चलें, ओके ये डन हो गया। अब मैं आपको इसको ग्लास में निकाल के दिखाती हूँ ये कैसा बना है। आइस क्रशर है ये, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आइस क्यूब अब नजर आ रहा है। तो मेरा ये एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। दोबारा से एक दफ़ा
ये सुपर एशिया का। और जैसा कि आपको पता है, मैं ऑलरेडी अपनी एक सुपर एशिया की स्मॉल वॉशिंग मशीन का रिव्यू दे चुकी हूँ आपको। तो सुपर एशिया बेस्ट ब्रांड है पाकिस्तान का, और मैं आप सबको रिकमेंड करूँगी कि आप सब इसको परचेस कर सकते हैं बगैर किसी सोच के, बगैर कि ये सब ये समझ ले कि मैं ये कहूँगी कि आँख बंद करके आप खरीद सकते हैं। सुपर एशिया इज़ द बेस्ट कंपनी इन पाकिस्तान। सो गाइस, मेरा शेक रेडी है और आप देख सकते हैं कितना यमी लग रहा है। तो अब मैं इसको जल्दी से टेस्ट करके दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। वैसे तो दिखने में बहुत ही मज़े का लग रहा है। खैर, ऐसी बहुत सारी न्यू वीडियोस देखने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारी वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिलती रहें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।